Assalamu alaikum. My name is Dr. Sayyid Imran Andrabi and I am a general and laparoscopic surgeon. A little bit about myself. I graduated from Army Medical College and did my basic surgical training at Mayo Hospital, Lahore, and cleared my FCPS and FRCS in general surgery. After that, I migrated to the United Kingdom and basically wanted to learn new skills and techniques like laparoscopy. And I stayed there for a good 8 years. Before I returned to Pakistan to serve my countrymen, I cleared the intercollegiate FRCS in general surgery, which is conducted by the intercollegiate specialty board of all the four royal colleges of Dublin, Glasgow, Edinburgh, and London. Basically, the principles of my practice are that I do not do any harm to my patients. I perform surgery when and only it is indicated. And I treat my patients as if they are my family members and as if I would want to be treated myself. My core is that patient-centered care is very important, and this is what I practice and follow. A little bit about general surgery and laparoscopy, what it covers. Basically, patients who come to surgeons are who suffer from any trauma, ya unko koi chot lage, usme koi accidents bhi ho sakte hain, usme goli lag jaye, churi lag jaye, kuch aisi cheez ho jisse unko chot lag jaye. To aise patients jo hain, they come to surgeons, surgeons ke paas aate hain. फिर ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कोई इमरजेंसी नहीं होती, उनको इलेक्टिव केसेस कहते हैं. ऐसे पेशेंट्स में जो डिफरेंट बीमारियां हैं जिनके साथ पेशेंट्स आते हैं, उनमें पित्ते में पथरियां जिसको गॉल स्टोन्स कहते हैं, छाती में, ब्रेस्ट में कोई तकलीफ हो, थायराइड में गिलर की कोई शिकायत हो, डायबिटीज़ की वजह से पाँव में कोई ख़राबी हो गई हो, अल्सर बन गए हों, या थूक के ग्लैंड्स होते हैं सिलिवरी ग्लैंड्स, उनमें कोई बीमारी हो, खून की शिरियाने टांग की फूल गई हों, उनको वेरिकोज वेंस कहते हैं, कैंसर की शिकायत हो, या पखाने के रास्ते बवासीर हो जिनको पाइल्स, फिशर और फिस्चुली कहते हैं, डिफरेंट बीमारियां होती हैं वो, या हर्निया के साथ आ सकते हैं. लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम छोटे छोटे सुराख, जिनको आप की होल भी कह सकते हैं, उनके साथ बहुत छोटे ज़ख़म के साथ पेट में ऑपरेशन करते हैं. ये इसका फ़ायदा ये है कि लेप्रोस्कोपी का कि मरीज़ को कम से कम दर्द होती है, क्योंकि चीरा इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है, खून कम निकलता है, उस ज़ख़म में इन्फेक्शन होने के चांस भी कम होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट अगले रोज़ ही घर जा सकता है और 3 से 4 रोज़ में अपने काम पे वापस जा सकता है. अब इस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से हम मुख्तलिफ ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसमें सबसे जो कॉमन और सबसे आम किया जाता है उसमें गॉल ब्लैडर जिसको पिता कहते हैं, वो और उसकी पथरियों को एक साथ ही निकाल लिया जाता है, क्योंकि जो पिता है ये फैक्ट्री है पत्थर बनाने की, उस अगर ना निकाला जाए उसको वक्त में तो उससे यरकान भी हो सकता है, और लबलबे की सोजिश जिसको पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं वो भी हो सकता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है. इसके अलावा, इस ऑपरेशन के अलावा, हम अपेंडिक्स जो कि एक बड़ी आंत के साथ एक उंगली जितनी सा ऑर्गन होता है, ये भी निकाल सकते हैं. इसका नुकसान ये है कि अगर अपेंडिक्स को ना निकाला जाए वक्त में तो वो फट सकती है और पेट में जहर फैल सकता है, जिससे जान को भी ख़तरा हो सकता है. तो ऐसे पेशेंट्स का हम वो छोटे ज़ख्मों के साथ और सुराखों के साथ हम लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी एक प्रोसीजर है जो करते हैं. इसके अलावा लेप्रोस्कोपी इस्तेमाल होती है कॉमनली हर्निया रिपेयर के लिए. हर्निया क्या चीज़ है कि अल्लाह मियाँ ने इंसान के पेट के अंदर मुख्तलिफ जगहें रखी हुई हैं, जिसमें से कई दफ़ा ज़्यादा प्रेशर पेट में होने की वजह से वो बाहर निकल आती है. आंत, इंटेस्टाइन या ओमेंटम का एक हिस्सा पेट का एक होता है, वो उस हर्निया, उस डिफेक्ट जो पेट में आ जाता है मसल्स के,
उसमें से बाहर निकल आता है। हम लेप्रोस्कोपिक के ज़रिए छोटे ज़ख्मों के साथ वो वापस खींच लेते हैं और अंदर एक जाली लगा देते हैं जिसको मैश कहते हैं, ताकि वो दोबारा ना बन सके। ये जो हर्निया है ऐसे पेशेंट्स में बड़े ऑपरेशन के बाद भी बन सकता है, जिसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में भी हम लेप्रोस्कोपी की मदद से उनके हर्निया को रिड्यूस कर सकते हैं। जो चीज़ें अंदर आंतें फंसी हैं उनको नीचे ला के अंदर एक मैश लगा देते हैं पेट के अंदर की तरफ से, ताकि वो दोबारा सारी उम्र तक वो ना बन सके। तो ये लेप्रोस्कोपी एक नई और बड़ी ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है और सर्जिकल एक प्रैक्टिस की जाती है ये टेक्निक पूरी दुनिया में, और हम अब पाकिस्तान में भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं केयर इसके ज़रिए। कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जो जिसमें जो बॉडी के सेल्स हैं वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, और इतनी तेज़ी से करते हैं कि वो अपने ना सिर्फ उधर बल्कि खून और ज़रिए से डायरेक्ट अपने इर्द गिर्द के ऑर्गन्स और टिश्यूज़ और जो उनको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि जिल्द की हो सकती है, ये आंतों की हो सकती है, किसी भी जगह की हो सकती है। ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आता है। ये एक क्रॉनिक डिज़ीज़ तसव्वुर किया जाता है इस वक्त पूरी दुनिया में, और इसमें ये कहा जाता है कि अगर आप जितनी जल्दी अगर आपको उल्टियाँ आ रही हों या आपको खून आ रहा हो पखाने के ज़रिए, या आप लगें कि आपका वज़न कम हो रहा है, भूख कम हो रही है, तो आप ज़रूर अपने सर्जन को एक दफ़ा दिखाएं, क्योंकि ये अलामत होती हैं कैंसर की। और ऐसे मरीज़ों में हम डायग्नोस्टिक टेस्ट्स करते हैं जिसमें हमने बात करनी होती है, उनको एग्ज़ामिन करते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड सीटी एमआरआई की दफ़ा कराना पड़ता है जो कि रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, सुई वाले टेस्ट होते हैं जिससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कौन सा ऑर्गन और क्या चीज़ इन्वॉल्व है। फिर उनकी सर्जरी की जाती है और बाद में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी दवाइयों के ज़रिए उनका इलाज किया जाता है। अब पूरी दुनिया में कैंसर को जानलेवा कंसिडर नहीं करते, अब इसको एक क्रॉनिक डिज़ीज़ के तौर पे लेते हैं कि इंसान मसलन थायराइड का कैंसर है 30 साल तक 40 साल तक नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर सकता है अगर वो वक्त पे अपने सर्जन के पास आ जाए। तो आपको कोई भी अपनी ज़िंदगी में कोई एबनॉर्मल चीज़ लगे तो अपने कंसल्टेंट सर्जन से ज़रूर मिलें। अब जो मैं बीमारी डिस्कस करूंगा ये हमारी जो फीमेल्स हैं, जो ख़वातीन हैं इस मुल्क की, इन ये बड़ी शाये होती हैं इस बीमारी के बारे में डिस्कस करने में अपने फैमिली मेंबर्स में या अपने डॉक्टर्स में, लेकिन मैं आज आपको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊँगा। छाती जो है, जो ब्रेस्ट है, इसमें जो गिल्टियाँ होती हैं ये दो किस्म की होती हैं। एक होती है बीनाइन जो कि कैंसर नहीं होता, और एक गिल्टी जो होती है, जो लंप कहते हैं इसको हम सर्जन्स, इसको कैंसर हो सकता है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके छाती में कोई गिल्टी है, या निप्पल के ज़रिए खून आ रहा है, या पानी आ रहा है, या काले या ग्रीन रंग का लिक्विड आ रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फौरन अपने सर्जिकल कंसल्टेंट के पास जाएं और उसको दिखाएं। वो आपका हिस्ट्री लेगा, आपसे बातें करेगा, आपका मुकम्मल मुआयना करेगा। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप होता है उसमें अल्ट्रासाउंड करवा सकता है छाती का, और मेमोग्राम जो कि एक एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, वो लिया जा सकता है। फिर उस सेल्स को देखने के लिए उसमें सुई डाल के उसको पैथोलॉजिस्ट के पास भेजेगा, ताकि फैसला कर सकें कि ये बीनाइन है या मेलिग्नेंट, कैंसर है या नहीं है, और फिर उसके बाद उसकी सर्जरी एडवाइस करेगा कि ये निकलने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ बेसिकली, कि इसको जितनी जल्दी पकड़ लिया जाए उतनी लंबी ज़िंदगी है। एक कैंसर का पेशेंट 40, 50, 60 साल तक भी ज़िंदा रह सकता है, लेकिन मसला ये है कि इसको जितना जल्दी पकड़ लिया जाए, जितना जल्दी निकाल दिया जाए, जितना जल्दी इसका इलाज कर दिया जाए, उतनी ही लंबी ज़िंदगी हो सकती है। और आजकल के ज़माने में कीमोथेरेपी भी है, रेडियोथेरेपी भी है, हार्मोनल थेरेपी भी है ब्रेस्ट के लंप
के ऑपरेशन के बाद उससे प्रैक्टिकली नॉर्मल ज़िंदगी मरीज़ गुजार सकता है। मेरे पास कई मरीज़ आते हैं जो इनको खाने के रास्ते की बीमारी होती है, तो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरह उसका इलाज करवाना है। पाइल्स, हेमरॉइड्स या बवासीर बीमारी है जिसमें पखाने के रास्ते खून आता है, पखाने के रास्ते अंदर से आंत थोड़ी सी या ब्लड वेसल्स बाहर आ जाती हैं, उनके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, दर्द नहीं होती। ऐसे मरीज़ों के लिए इलाज सबसे पहले, अगर छोटे हों वो खून की नालियाँ, तो उनके गिर्द रबर बैंड लगा के उनको आउट पेशेंट्स बेसिस पे उनको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो बड़ी हो गई हैं पाइल्स और वो खाने के रास्ते बाहर आते हैं, तो उनका फिर ऑपरेशन होता है। मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं आजकल, एक स्टेपल्ड हेमरोइडेक्टमी है, एक और नई टेक्निक आई है जिसमें आर्टरी जो खून की ब्लड वेसल जो खून लेके आ रही है उसको ही हम बांध देते हैं, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत ही कामयाब है। वरना फिर ओपन हेमरोइडेक्टमी करनी पड़ती है जिसमें पूरी खून की नालियाँ निकाल के पेशेंट को मुकम्मल तौर पे सारी उम्र के लिए क्योर कर दिया जाता है। खाने की बीमारियों में एक फिशर एक कॉमन बीमारी है जो कि उन पेशेंट्स में देखी जाती है जो अपने रेगुलर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियां और पानी नहीं पीते। पखाना इतना सख्त हो जाता है कि जब वो आता है और बाहर आता है तो वो एक क्रैक, एक अल्सर, एक ज़ख़म बना देता है पखाने के रास्ते में, जिसको फिशर कहा जाता है। ऐसे मरीज़ों को हम अपनी डाइट में तब्दीली लाने का कहते हैं, मॉडिफिकेशन, पानी खूब पीते हैं, और फिर उनमें हम एक क्रीम होती है वो लगाने का कहते हैं। और कुछ मरीज़ों में जिनमें 3 महीने या 6 महीने से ज़्यादा हो जाए ये बीमारी, एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है जिसमें जो स्फिंक्टर है या सूखना है उसका एक थोड़ा सा हिस्सा काट दिया जाता है, जिसके 100% रिजल्ट्स हैं, उसको लैटरल स्फिंक्टरोटमी कहते हैं। खाने के रास्ते की एक और इम्पॉर्टेंट बीमारी जो जिसके साथ मरीज़ बहुत कॉमन आते हैं, उसको फिस्चुला कहते हैं। फिस्चुला क्या बनता है कि खाने के रास्ते में इर्द गिर्द कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनमें सख्त पखाने की वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, ज़ख़म बन जाता है और अंदर पीप इकट्ठी हो जाती है, और वो पखाने के रास्ते से साइडों से बाहर बर्स्ट आउट कर जाती है। वो फिर जब उसकी हीलिंग होती है तो एक ट्रैक्ट एबनॉर्मल रास्ता बन जाता है पखाने के रास्ते के आंत और बाहर स्किन के दरमियान, ये बाईपास करता है पखाने के नॉर्मल रास्ते को, इसको फिस्चुला कहते हैं। ऐसे मरीज़ जिनके पखाने के रास्ते के इर्द गिर्द से पीप आती हो, छोटे से सुराख में से बार बार पीप बनती हो, निकलती हो, पानी आता हो, उसको फिस्चुला कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स का इलाज सर्जरी है, इन पेशेंट्स का कोई और मेडिकल इलाज नहीं होता। इसमें वो जो ट्रैक है उसको खोला जाता है और उसको निकाला जाता है, जिसको फिस्चुलोटमी या फिस्चुलेक्टमी कहते हैं। ऐसे मरीज़ों को अपने सर्जन को ज़रूर दिखाना चाहिए, इन पेशेंट्स का इलाज दवाइयों से नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर अंद्राबी अपने जितने भी व्यूअर्स हैं और मेरे पेशेंट्स हैं और फ्यूचर पेशेंट्स हैं, उनको एक एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें। आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियों का खूब इस्तेमाल करें, पानी का खूब इस्तेमाल करें और वर्जिश करें। वर्जिश, मैंने ख़ुद 35 किलो अपना वज़न कम किया है। आप वॉकिंग करें पार्क्स में, आप जिम जाएं, आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, आप अपनी अगली जनरेशन्स का ख्याल रखेंगे, आप सेहतमंद होंगे तो दुनिया में इफ़ेक्टिवली काम कर सकेंगे और अपनी रोज़ी कमाएंगे और सेहतमंद रहेंगे।